हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स को नमाज में कह आ जाए या नकसीर आ जाए या मज़ी निकल आए तो वो वापस जाए और वज़ू करे, फिर इसकी जो नमाज गुज़र चुकी है इस नमाज पर भी ना करे और वह इस दरमियान में बात ना करे। इस हदीस शरीफ से हमें यह मालूम होता है कि अगर कोई शख्स नमाज अदा कर रहा हो तो उसे नमाज के दौरान कह आ जाए यानी कि उल्टी आ जाए या नकसीर नाक से खून आ जाए या फिर शर्मगाह से मज़ी निकल आए तो वो वापस जाए और वज़ू करे और जहाँ से नमाज छोड़ी है वहीं से शुरू करे। लेकिन शर्त यह है कि वो दरमियान में किसी से बात ना करे।